Next is question number 4. Expand each of the following using suitable identities. अगर हम इसमें देखें question में हमें 3-3 terms given है और 3 terms की हमारे पास एक identity थी question number 4. कौन सी? A plus B plus C whole square. 3 terms है उनका square A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. ये आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर. सभी टर्म्स में साइन है पॉजिटिव. A plus B plus C होल स्क्वायर. A यहाँ पे क्या है? x. A square plus B square plus C square. A है x, B है 2y, C है 4z. Plus 2A B plus 2B C plus 2C A. अगर आप इस तरह से लिखोगे तो गलती नहीं होगी. क्या क्या हमने? A square plus B square plus C square plus 2 A is x, B is 2y, 2 B into C, B is 2y, C is 4z, plus 2 C into A, C is 4z or A is x. Now brackets open करते हैं. X square, now 2 का square 4, y square plus 4 square is 16, z square plus जो numerical terms है उन्हें multiply करते हैं. 2 2s are 4, x into y plus 2 2s are 4, 4 4s are 16, yz plus 2 4s are 8, z x. तो ये हमने इसे expand कर दिया by using the suitable identity. क्या apply किया हमने? A plus B plus C whole square, that is equals to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. A है x, B है 2y, C है 4z. इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड की जगह पे हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया. जो न्यूमेरिकल टर्म्स हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4s are 16, 2 4s are 8 और साथ में x, y, y, z, z, x. क्लियर फर्स्ट पार्ट? सेकंड पे चले. नाउ द सेकंड इज, हर पार्ट में यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. सेकंड पार्ट इज 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. अगर हम इसमें देखें यहाँ पे जो b टर्म है वो नेगेटिव है लेकिन हमारे पास फॉर्मूला पॉजिटिव की टर्म्स के लिए है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. लिख सकते हैं 2x माइनस y को लिखते हैं प्लस माइनस y. नाउ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. a स्क्वायर a इज 2x, a स्क्वायर प्लस b इज माइनस y, b स्क्वायर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो. a इज 2x, b इज माइनस y, c इज z. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस 2 b c प्लस 2 c a. अगर कोई भी टर्म नेगेटिव है जैसे कि y के टर्म यहाँ पे नेगेटिव है तो इस क्वेश्चन में जहां भी y आएगा वो वाली टर्म नेगेटिव होगी. 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, प्लस z स्क्वायर. नाउ यहाँ पे नेगेटिव है y, सो प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड प्लस 2 2 आर 4 जेड एक्स. तो आपने देखा कि जहां भी y की टर्म आई चाहे वो यहाँ है चाहे वो यहाँ है उसके आगे नेगेटिव साइन आया क्योंकि जो गिवन स्टेटमेंट में y की टर्म नेगेटिव थी. सो माइनस वाई को हमने लिख दिया प्लस माइनस वाई. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर.
a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. 2 2's are 4 plus minus minus plus minus minus 2yz. 2 2's are 4 z x. Clear? Second part b. Third pe chalein. Now the third part. Third part is minus 2x plus 3y plus 2z whole square. अब यहाँ पे जो a की term ही negative में है, अब मैं इसके आगे plus minus लगाऊँ, वो तो कोई sense नहीं है. अगर आप चाहो फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको confusion हो तो, कि plus का ही a हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे a की value क्या है, minus के 2x, b is 3y and c is 2z. Now a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. पुट कर दी वैल्यूज ए बी सी की गिवन आइडेंटिटी में जो हम यूज कर रहे हैं. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस की पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में. टू स्क्वायर इज फोर एक्स का स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इज नाइन वाई स्क्वायर, टू स्क्वायर इज फोर जेड स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस एक नेगेटिव है तो माइनस, टू टूज आर फोर थ्रीज आर ट्वेल्व एक्स वाई. प्लस तीनों टर्म्स प्लस किए, टू थ्रीज आर सिक्स टूज आर ट्वेल्व y z. प्लस माइनस माइनस, टू टूज आर फोर टूज आर एट जेड एक्स. तो जो भी हमें टर्म्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिटी अप्लाई की. थ्री टर्म्स थी, सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ए की वैल्यू है माइनस टू एक्स, बी इज थ्री वाई, सी इज टू जेड. ए बी सी की वैल्यू पता है, इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन गेट द आंसर. सो माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, टू स्क्वायर इज फोर एक्स स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इज नाइन वाई स्क्वायर, टू स्क्वायर इज फोर जेड स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस, टू टू आर फोर थ्री आर ट्वेल्व एक्स वाई, 2 3s are 6, 2s are 12, yz. Plus minus minus, 2 into 2 into 2 is 8, zx. Next pe chalte hain, fourth part pe. Fourth part mein hame kya given hai? Fourth is 3a माइनस सेवन बी माइनस सी. अब दो टर्म्स के आगे नेगेटिव का साइन है, हम इसे लिख सकते हैं थ्री ए प्लस माइनस सेवन बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करोगे यही टर्म आएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. सो थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी स्क्वायर. अब इस केस में जो ए है वो एक्चुअली में है थ्री ए, बी है माइनस के सेवन बी और सी है माइनस के सी. आप चाहो तो इसे कैपिटल भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं ताकि आपकी गलती ना हो. सो ए यहाँ पे क्या है, थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहां तक क्लियर, ए बी सी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ये टर्म्स आ गई. नाउ सॉल्व करते हैं, थ्री स्क्वायर इज नाइन ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस, सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. टू थ्री आर सिक्स, सेवन आर फोर्टी टू. एक नेगेटिव है सो प्लस माइनस माइनस ए बी. दो नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस.
टू सेवन्स आर 14 बी सी, एक नेगेटिव है प्लस माइनस माइनस, टू थ्रीज आर 6 सी ए। तो जो भी टर्म है उसे पुट करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या था 3a स्क्वायर, बी था माइनस के 7b, सी था माइनस सी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ब्रैकेट्स को ओपन किया, सॉल्व किया तो आंसर आया। Now the next is fifth part. Fifth part kya hai? Fifth part is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. जो first term है a वो है minus के 2x। इस term को हम इस तरह से लिख सकते हैं, minus के 2x को bracket में लिख दिया ताकि ये a की value हमारे पास positive हो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये है। नाउ ए यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस के 2x, बी है 5y और सी है माइनस के 3z। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, माइनस का पावर है इवन तो आंसर तो आएगा पॉजिटिव में। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25y स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9z स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव। नाउ एक नेगेटिव है, 2 2s are 4, 5s are 20, xy एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 2 5s are 10, 3s are 30, yz दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 2 3s are 6, 2s are 12, zx। सो दिस इज द आंसर। ए क्या था हमारे पास माइनस के 2x, बी था 5y, सी था माइनस 3z। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ओपन किया तो गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स। वन अपॉन 4a माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1 होल स्क्वायर। पहले तो हमें तीनों टर्म्स कौन सी चाहिए पॉजिटिव की, तो 1 अपॉन 4a प्लस माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ a क्या है 1 अपॉन 4a, a स्क्वायर, b क्या है माइनस 1 अपॉन 2b, c क्या है 1। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही टर्म्स आए हमारे पास। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहां तक क्लियर? a था 1 अपॉन 4a, b था माइनस के 1 अपॉन 2b, c था 1। 1 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 a स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। नाउ ये हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 into 1 a into b, अपॉन में क्या बचा 4। नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, बी इंटू 1b प्लस 2 2s are 4, 1 into a अपॉन 2। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? यहाँ पे a हमारे पास था 1 अपॉन 4a,
b था माइनस के 1 अपॉन 2b और c था 1. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca. डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स है अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस a इंटू b अपॉन में 4. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस b इंटू 1 इज b, प्लस 2 2 जर 4, 1 इंटू a इज a अपॉन में 2.